फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग टाइम विद श्रद्धा पर। आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं छोले एंड पनीर कप बाइट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये बिना ओवन की रेसिपी। छोले स्टफिंग बनाने के लिए हमें एक कप काबुली चना 8 से 10 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। भिगोए हुए चने का पानी पूरा निकाल कर अब हमें मिक्सी में इसे दरदरा पीस लेना है। ध्यान रखिए, हमें पानी बिना डाले इसे पीसना है। एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। उसमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून छोले मसाला। अब मिक्सर में जो हमने काबुली चना पीस लिया है वो डालें। और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। थोड़ी देर तक इसे भूनते रहें ताकि ये अच्छे से पक जाए। हमारा छोले स्टफिंग अब तैयार है। पनीर स्टफिंग के लिए हम लेंगे 100 ग्राम पनीर। उसमें डालें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बेल पेपर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। हमारा पनीर स्टफिंग और छोले स्टफिंग दोनों तैयार है। कप्स बनाने के लिए हम एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। उसमें डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून पीसी हुई अजवाइन, 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूंद ले। आटा गूंद के जब तैयार हो जाए तब उसकी छोटी पूरियां बना ले। पूरी का आकार हमें उतना ही रखना है जितना हमारे आपे पैन में फिट हो। पूरी की एक साइड पर घी लगाकर उसको कप का आकार दे और आपे पैन में सेट कर दे। इसी तरह हम सारी पूरियां आपे पैन में सेट कर देंगे। अब इन्हें धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक पकने दे ताकि हमारे कप्स क्रिस्पी बन जाए। जब कप्स क्रिस्पी बन जाए तब हमें आधे कप्स में पनीर स्टफिंग भरना है और आधे कप में छोले स्टफिंग। स्टफिंग भरते वक्त हमें आंच धीमी ही रखनी है। पनीर कप्स में हम पुदीना चटनी डालेंगे और छोले कप्स में शेजवान चटनी। फिर डालें कसा हुआ प्रोसेस चीज। आखिर में हम डालेंगे पिज्जा मिक्स एंड चिली फ्लेक्स, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। पैन को फिर 2 मिनट के लिए ढक दे और कप्स को पकने दे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि बिना ओवन के भी हमारे कप बाइट्स कितने बढ़िया बने हैं। ये खाने में भी टेस्टी एंड क्रिस्पी बनते हैं। कप बाइट सर्व करते वक्त आप टूथपिक में छोले या पनीर का पीस लगाकर उन्हें सर्व करें। तो आप यह रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसी ही नई रेसिपीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खाते रहिए, मस्त रहिए।